नमस्कार दर्शकों, तो हम रोजाना की तरह हाजिर हैं लेकर अपना खास प्रोग्राम आज का राशिफल। आज के राशिफल में आपको बताएंगे आज का दिन आपका कैसा बीतने वाला है, आज के दिन क्या कुछ खास आपकी जिंदगी में होने वाला है, क्या कुछ उतार चढ़ाव आपके जीवन में आने वाले हैं। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस खास राशिफल में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे जीवन में राशिफल का काफी ज्यादा महत्व होता है। वहीं राशि के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य से जुड़ी जानकारी आसानी के साथ प्राप्त की जा सकती है और ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के आधार पर ही राशिफल का निर्माण किया जाता है। ग्रहों की चाल हमेशा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दैनिक जीवन में घट रही घटनाएं भी हमेशा एक समान नहीं होती। आज 31 मार्च यानी कि रविवार का शुभ दिन है और आज के दिन सूर्यदेव की कृपा से ग्रहों में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, जिसकी वजह से सूर्यदेव कुछ राशियों पर काफी ज्यादा मेहरबान होने वाले हैं, जिसके चलते इनका भाग्य काफी ज्यादा खुल जाएगा और ये धनवान भी बन जाएंगे। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको इस खास राशिफल में मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली राशि यानी कि मेष राशि। आज का दिन आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। वहीं काम करने वालों को आज काफी ज्यादा फायदा होने की पूरी उम्मीद बनती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे, जिस भी काम को आप करने की सोच रहे हैं, उनमें आपको आज सफलता जरूर मिलेगी। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल काफी ज्यादा अच्छा रह सकता है। परिश्रम और दृढ़ संकल्प से समस्याओं का समाधान आप निकालते हुए नजर आएंगे। किसी पुरानी बीमारी में काफी ज्यादा आराम भी आप महसूस करते हुए दिखाई पड़ेंगे। किसी दोस्त के पद पर यानी कि सीधे कहा जाए तो किसी दोस्त के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो जाएंगे और उसके कामकाज में आप उसका पद भी हासिल कर सकते हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति का एहसास कराएगा। साथ ही गुरुजनों का आशीर्वाद आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगा। समाज में आपकी मान सम्मान में भी काफी ज्यादा वृद्धि होने के पूरे चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। आज वृषभ राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू यानी कि कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अधिकारियों की उम्मीद पर खरा उतरने के लिए आपको मेहनत में काफी ज्यादा काम करना होगा। वहीं सलाहकार की राय के अनुसार निवेश करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकता है। अचानक यात्रा के भी योग बनते हुए आपकी राशि में दिखाई पड़ रहे हैं। सामाजिक मान आपका बढ़ेगा। आवेश में आकर आलसी बिल्कुल ना बने, यानी कि आपको कामकाज में ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक लाभ की दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए काफी ज्यादा शुभ रहने वाला है और काफी ज्यादा आपको लाभ होने के भी प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए दर्शकों बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। आज मिथुन राशि के जातकों को सूर्यदेव की अपार कृपा मिलने वाली है और ये अपनी बहुत ज्यादा जिंदगी में अपना परचम लहराते हुए नजर आने वाले हैं। निजी संबंधों में आप बहुत ज्यादा कहीं घूमने फिरने का विचार बना सकते हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सावधानी का कारण भी बनेगा। गंभीरता पूर्वक सोच समझकर ही आपको कार्य करने होंगे। पैसों के लेन देन करने से आपको थोड़ा सा आज नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। समय का सदुपयोग करें, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खाने पीने की चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कारोबार से संबंधित व्यवसायिक गतिविधियां आपकी थोड़ी सी अच्छी रहेंगी। वहीं अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए दर्शकों बात करते हैं कर्क राशि वालों की। आज सूर्यदेव की कृपा से जो भी लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं भी पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफी ज्यादा उचित समय है। कर्क राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ जरूर होगा। वहीं करियर के लिहाज से देखा जाए तो यह दिन आपके लिए काफी ज्यादा शानदार साबित होने वाला है। वहीं विदेशी कंपनियों से संबंधित कार्यों से धन लाभ होने की भी प्रबल उम्मीद या फिर संभावना बनी हुई है। कहीं पर भी अगर आपका धन रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, आपको पुराना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको फायदा होने के चांस बन रहे हैं। मन को खराब विचारों से दूर रखते हुए अच्छे कार्यों में केंद्रित जरूर करें। नई स्थितियां आप में नई प्रतिभाओं का संचार करती हुई नजर आने वाली हैं और आपको लाभ भी जरूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा और आपकी जिंदगी के हर एक सितारे पूरी तरह से बदल जाएंगे और आपको लाभ जरूर होगा। चलिए दर्शकों बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज आपकी वाणी में उग्रता ज्यादा रहेगी, थोड़ी सी सेहत के प्रति आपको सचेत रहने की भी जरूरत है। करियर में नए सहकर्मी थोड़ी सी उलझन पैदा कर सकते हैं। वहीं कारोबार संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले परिवार की सलाह आपको जरूर लेनी है।
स्थिरता और गंभीरता से किए गए कार्यों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। बहुत हद तक आप व्यस्त हो सकते हैं, फालतू विवाद भी सामने आ सकते हैं। आज तक अपने जितने भी कष्ट उठाए हैं, जितनी भी परेशानी का सामना आपने करना पड़ा है, उन सब का आपको अब बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा और आपको उसका फल भी जरूर प्राप्त होने की अब संभावना बनी हुई है। लाभ आपको जरूर होगा, जिंदगी आपकी काफी ज्यादा खुशनुमा बनती हुई दिखाई पड़ रही है। चलिए दर्शकों, बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आज सूर्य भगवान कहते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं बच्चों के साथ वाद विवाद झुंझलाहट थोड़ा सा पैदा कर सकते हैं आप। परिवार की किसी सदस्य की सेहत चिंता की वजह बन सकती है। बड़े व्यापारिक लेन देन करते वक्त भावनाओं पर आपको काबू रखना होगा। जब आप किसी पारिवारिक टीम के साथ किसी प्रतियोगिता में प्रवेश करते हैं तो भाग्य आपके मजबूत हो जाते हैं। वहीं प्रतिष्ठित व्यक्ति से मेल जोल आपका बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। कला की तरफ आपका थोड़ा सा रुझान ज्यादा रहेगा। थोड़ी सी मेहनत से बड़ा मुनाफा मिलने के भी पूरे चांस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लाभ आपको जरूर होगा। आपकी जिंदगी के हर एक सितारे भी पूरी तरह से पलटते हुए नजर आएंगे। चलिए दर्शकों, बात करते हैं तुला राशि वालों की। आज सूर्यदेव की कृपा से तुला राशि को अपने प्रेमी या जीवन साथी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। समझदारी से काम लें, बातचीत कर मसले को सुलझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में अपने वित्तीय फैसले लेने से आपको बचना होगा। कर्ज देने या लेने से परहेज करने की कोशिश आपको जरूर करनी होगी। आपके काम के लिए काफी ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहा है। वहीं विदेश यात्रा के अवसर मिलने के भी आसार बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मनचाही नौकरी के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास ज्यादा करना पड़ सकता है, यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आप अपने जीवन में तरक्की तो जरूर हासिल करेंगे। वहीं सूर्य भगवान को आज जल अर्पित करें, उनको आज जल देंगे तो आपको लाभ भी जरूर होगा। चलिए दर्शकों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज खुद को शांत बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। चीजों और लोगों को तेजी से पर रखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखने में काफी ज्यादा कामयाब होंगे। नौकरी में तरक्की के प्रबल योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपने दुश्मनों पर काफी ज्यादा सक्रिय रहेंगे और आसानी से उन्हें हराने में सक्षम भी हो जाएंगे। वहीं आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की विशेष जरूरत है। बात की जाए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज थोड़ा सा वाणी पर, थोड़ा सा अपनी बोली पर संयम रखने की जरूरत है तथा आपको दूसरों से अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए दर्शकों, बात करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि के जातकों के लिए काफी लंबे समय से अटके मुआवजे और कर्ज आपको थोड़ा सा फायदा कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं। वहीं अपने खाने की आदतों पर नजर न रखना निश्चित रूप से आपके सेहत के लिए कुछ आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। गरीबों को कपड़े दान करने से आपको अच्छी किस्मत आकर्षित करने में काफी ज्यादा मदद भी करेगी। वहीं आपका जीवन साथी हाल में हुई खटपट को भुलाकर अपने अच्छे स्वभाव का परिचय देगा। चोट व दुर्घटना आदि से हानि संभव है, इसलिए आपको वाहन चलाने में किसी से लड़ाई दंगे करने से बचना होगा। सावधानी के साथ आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते आपका कल्याण होना लगभग तय है और जिंदगी आपकी काफी ज्यादा सुखद तरीके से बीतेगी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिएगा जो समय पर काम आ सके। अपने आप को किसी भी चीज के साथ तनाव न करने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं व्यापार में नए अनुबंध भी होंगे, थकान और अस्वस्थता रहेगी। व्यवसायिक नई योजना लागू हो जाएंगी। कर प्रणाली आपकी काफी ज्यादा सुधार की स्थिति में दिखेगी। आय के साधन भी आपके काफी ज्यादा बनेंगे। चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों का हाल। कुंभ राशि वाले वैवाहिक जीवन में आप कुछ निजता की जरूर महसूस करते हुए नजर आएंगे। स्वजनों से निकटता आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। कार्य जीवन संतुलन बनाने में सफल होंगे, जो आपको अपने परिजनों के साथ पर्याप्त समय बिताने की अनुमति देगा। किसी खास काम के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। धार्मिक चीजों के प्रति आपका झुकाव रहेगा। जीवन साथी का साथ अधिक ऊर्जावान आज बना रहेगा। सहकर्मियों से सहयोग मिलने के भी पूरे चांस बन रहे हैं। चलिए अंत में बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज मीन राशि वालों में गजब का आत्मविश्वास रहने के आसार बनते हुए नजर पड़ रहे हैं। यह आपकी आर्थिक स्थिति को काफी ज्यादा बेहतर करने में भी सहायक सिद्ध होगा। वहीं आपके काम के लिए जीवन में सकारात्मक दिन
होने की भविष्यवाणी है। आज आपको कुछ सुनहरे अवसर मिलेंगे जो आपके करियर को ऊंचाइयों पर ले जाने में आपकी मदद भी करेंगे। छोटी मानसिकता से आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपना सोच, अपने विचार थोड़ा सा करके अपनी मानसिकता को बदलना होगा। रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, लाभ आपको जरूर होगा। कुंडली आपकी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य प्रोग्राम के साथ, अन्य मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।